जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरवले होते. यामुळे त्यांचा रामटेक लोकसभा निवडणुकीतील अर्ज रद्द करण्यात आला होता. याविरुद्ध बर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. गुरुवारी सकाळी उच्च न्यायालयाने रश्मी बर्वे यांना दिलासा देत जात वैधता समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने त्यांना हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ रश्मि बर्वे मैडम को, क्योंकि आज जो है माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी केस में स्टे दिया है, स्थगिति दी है. स्क्रूटनी कमेटी ने 28 मार्च 2024 को रश्मि बर्वे मैडम की वैलिडिटी कैंसिल कर दी थी और उनकी कास्ट क्लेम इनवैलिड कर दी. कास्ट सर्टिफिकेट जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया. इसके बेसिस पर उनका नॉमिनेशन फॉर्म 28 तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया. हम उच्च न्यायालय को ये रिक्वेस्ट किए कि ये जो बेसिक ऑर्डर है कमिटी का, यही इल्लीगल है. और हमने तीन ग्राउंड्स लिए. पहला ग्राउंड कि ये जो कमेटी को पावर नहीं है रिव्यू का. दूसरा ग्राउंड कि ये जो कंप्लेनेंट्स है सुनील साड़वे और वैशाली देविया, इनको कोई लोकस नहीं है, इनको कोई लीगल राइट नहीं है कि ये स्क्रूटनी कमेटी के सामने कंप्लेंट करे या हाईकोर्ट के सामने कंप्लेंट करे, क्योंकि उनका लीगल राइट अफेक्ट नहीं हो रहा और वो डायरेक्टली जो है एग्रीड पार्टी नहीं है. और तीसरा रीज़न जो है हमने ये साइड किया कि 22 तारीख को उन्होंने नोटिस इशू किया सेकंड कंप्लेंट पर, वैशाली देविया मैडम के कंप्लेंट के आधार पर, और एक हफ्ते के अंदर ही ऑर्डर पास कर दिया 28 तारीख को. और इस दौरान जो है हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, हमारा जो स्टैंड है कमेटी के सामने रखने की कोई हमको संधि नहीं मिली, अवसर नहीं मिला. और ये तीन ग्राउंड को जो है कोर्ट ने कंसिडर किया और ये सारी जो केस को कोर्ट ने एग्जामिन किया, स्टडी किया, सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया, अपन उनका जो स्टैंड है उसको भी वेरीफाई किया और अंततः माननीय उच्च न्यायालय सेटिस्फाइड हुआ और स्टे ग्रांट किया. ये बहुत बड़ी विजय है.